सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड, अभी सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाया जस्ट बिकॉज अब मैं थोड़ा बीमार हो गया था। ये देखो, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया हुआ था चेकअप कराने के लिए। एक्चुअली मुझे एक रिएक्शन कर गया, पता नहीं क्या रिएक्शन हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। डॉक्टर ने बोला है कि आपको इतने सारे टैबलेट्स, ये सारे टैबलेट्स खाने पड़ेंगे। तो ये देख लो, अभी दर्जनों का मुझे टैबलेट उसमें मिला हुआ है, ये दोनों मिला के, और इसमें एक क्रीम भी लगी हुई है जिसमें मुझे लगाना है। तो चलो, वो तो सब चलता रहेगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ प्रकाश घर, देखता हूँ कहीं मार्केट वगैरह निकलना है, और सुबह से निकला नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे इचिंग वगैरह हो रही थी इसलिए। तो निकलते हैं अभी और चलते हैं प्रकाश घर और देखते हैं हम आज का प्लान कहाँ बनता है। तो अभी मैं आ गया हूँ प्रकाश घर, और मैंने मोटे ब्लॉग नहीं किया जस्ट बिकॉज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। रुको, मैं लाइट मारता हूँ। तो मैंने मोटे ब्लॉग इसलिए नहीं की क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। और चलो देखते हैं अभी कहाँ निकलना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ मैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो अभी जस्ट निकलने की प्लानिंग हमारी हो रही थी, इतने देर में ही एक ऑर्डर आ चुका है प्रकाश का। तो ये भी ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा है, एक बार ये बन जाता है थाली का, या फिर थाली का ऑर्डर बा। तो देख सकते हो आप, थाली का ऑर्डर आया हुआ है, यहाँ पर दाल वगैरह और राइस वगैरह सब पैक हो रहा है। एक बार ये सारे ऑर्डर रिलीज़ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे मार्केट के लिए। क्योंकि अभी इसको शायद, ये जो देख रहे हो ना घर, ये पूरी इसको प्राइमर लगाना है इसमें, और कुछ पेंट वगैरह भी खरीदना है। तो वो भी लेने के लिए जा रहे हैं अपन और लेकर आएंगे। तो एक दो दिन में यहाँ पर काम लगने वाला है। तो देखो यहाँ पर थाली निकल के रेडी है। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, प्रकाश को जो पेंट खरीदना है उसको लेने जा रहे हैं। क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए दिन भर कहीं निकला नहीं, और अभी पेंट लेकर सीधे वापस घर ही आना है, और ज़्यादा ऐसा कुछ काम है नहीं। सब्जी वगैरह सब आ ही चुका होगा, और संजीव वहीं पर बैठा हुआ है क्योंकि संजीव इसी नेरोला कंपनी में काम करता है एज ए एग्जीक्यूटिव। तो फटाफट यहाँ से चलते हैं नवादा, और बिना लेट किए क्योंकि उसके घर से भी कॉल आ रहा है। हमें एक्चुअल में जाना है बाईपास रोड, क्योंकि एजेंसी वहीं पर है नेरोलैक पेंट का शायद। जय बजरंग बोलिए। और मेरे सेलफोन की जो मेमोरी है ना, वो गोप्रो की जो मेमोरी है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है। और लो यहाँ पर जाम मिल गया है। एक्चुअली दोपहर में यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं डॉक्टर के पास आ रहा था। तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे और यहाँ पर जाम लग गया है। ट्रैफिक यहाँ पर है और क्योंकि ये स्टेशन वाला एरिया है यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। तो मैं बता रहा था कि दोपहर में जब आ रहा था तो इसी पोजीशन पर जहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर एक पुलिस वाले और ऑटो वाले के बीच में कुछ हुआ था। मतलब पुलिस वाले परेशान कर रहे थे उन्हें, बाद में क्या मैटर हुआ मैंने तो ज्यादा सुना नहीं, बस वो मीडिया वाले के सामने कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, उसे पूछा जा रहा था। तो रोड में मतलब मैं भी रोड के साइड खड़ा होगा इसलिए कुछ बोल रहे होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा। और आज मैंने सेलफोन का लैनियार्ड भी नहीं लाया जिससे मैं थोड़ा सा उसे बांध के रखता, क्योंकि पॉकेट मेरा जो है उसमें जिप नहीं है, और पॉकेट में जिप ना होने के कारण मुझे थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ रहा है। ये देखो, ये है हमारा पुरानी गुमटी, और यहाँ मंदिर काफी अच्छे से बना रखा है इन लोगों ने। यहाँ पर ये रेलवे क्रॉसिंग है ना, वहाँ काफी जाम लगती थी, ये रोड पूरा जाम रहता था हमेशा जाम, लेकिन जब से ये ओवरब्रिज बन गई है ऊपर वाला तब से जाम बहुत कम लगता है। संजीव कॉल पर कॉल किया जा रहा है, फिर थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ।
बिल्कुल काफी अच्छा खूबसूरत सजा हुआ है। ये देखिए जुगाड़, चेयर का और टेबल का जुगाड़ कैसे ले जा रहे हैं भैया। हमू साथ बेटर बनी एक बार गया मैं। सो फाइनली अपन यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ से लेफ्ट लेना है, रोड चला जाता है। घुमा लेता नहीं तो एक्चुअली यही वाला कुसुम पेंट से यहीं पे जाना है हमें। ये देखो यहाँ से, चलो दिखाता हूँ मैं कि हमने कौन सा पेंट वगैरह लिया है। ये देखिए डीलर साहब बैठे हुए हैं, चल जल्दी लेट कर लेवा उसमें पेंट में। संजीव दिन भर फोन पे ही लगा रहता है ये बंदा। वो सामान निकल रहा है यहाँ पे, 10 बजे के बाद भेज देंगे, 3000 टाइम लगेगा। बुलाओ तो न जा। तो टाइमर वगैरह इसको लेना है और पहले यही की लोग रोलर से क्या नहाला रे, जाहिले रह गिले रोलर से नहीं आना। ठीक बा पढ़ ज्यादा पतला नहीं किया, ज्यादा पतला नहीं किया। तो यहाँ पेंट वगैरह हमारा बन चुका है, निकलते हैं यहाँ से लेके। ग्रीन कलर ये देखिए, ये बंदा जो है ना घर निकलने की तैयारी कर रहा है, इसको ऑलरेडी लेट हो चुका है, 7:18 हो गया, गांव जाएगा ये, गांव से रोज आता जाता है। शॉपिंग हो चुकी है, यहाँ से निकलते हैं। हो गया टाइमर और वो पेपर बोलते हैं ना, डस्ट रिमूवल वाले, वो पेपर हो चुके हैं। सब कुछ ले लिया इसने और लगभग 1150 का बिल बना हुआ है। निकलते हैं यहाँ से। हो गई लू जहाँ पे बीज उसका थी, मिला ला दवा आओ जमिली मुत सिनेमा बिल। चल चलो वो उस बाइक से निकल रहा है, मैं निकलता हूँ ये वाले से। आगे निकल गए हैं, अब मैं भी निकलता हूँ क्योंकि अब कहाँ से टर्न करना है ये मुझे नहीं पता।
ये कहाँ जाएंगे वो लोग, जो उन्हीं को पता है तो थोड़ा सा। इस रोड के बारे में सोचता था कि बन गया होगा, जब इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और कंप्लीट हुई थी तो मुझे लगा ये कंप्लीट हो चुका होगा, बट इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। देख लो देख लो देख लो। तो यहाँ से स्लो स्लो चलते हैं कि अभी हमें कहीं और भी जाना है सामान लेकर, और फिर सीधे घर के लिए निकलेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। तो सामने देख रहे हो प्रकाश गया है थोड़ा रेड किलर लाने, उसके किचन में एक्चुअली बहुत सारे चूहे इधर उधर घर में घूमते रहते हैं, इसलिए सामने रेड किलर लेके आ रहा है। और मार्केट में खड़े हैं अपन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गोपुर में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, मेरे को एडजस्ट करके देखता हूँ या फिर घर जाकर देखता हूँ, क्योंकि जो फुटेज आई है कुछ कुछ वो थोड़ी टेढ़ी आई है। और अभी टाइम हो चुका है 7:34, लेकिन लग रहा है कि रात के 10 बज रहा है, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ से आगे से लेफ्ट लेंगे और सीधे घर की ओर, क्योंकि सब्जी वगैरह लेना नहीं उसे, वो भी मैं पूछ लूंगा, सब्जी वगैरह लेना होगा तो वो मुझे बता देगा। कल तो सुबह मॉर्निंग में प्लान बना रहा है ये लोग बिहार जाने का, लेकिन देखो बिहार जाने का प्लान बनता है या क्या होता है वो को सुबह पता चलेगा कि घर में कब पापा मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग कहीं जाने के लिए बोल दें, क्योंकि कल संडे है सर जी, वीकेंड में तो गार्जियन को पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो जाता है, इसलिए सर। तो यहाँ पर इसने रेड कलर ले लिया है और हो गई, और कहाँ चलेगा बाबू, चलो इधर काम हो गया है, अब निकलते हैं घर की ओर। सब्जी निकल रहे के सब्जी चलो अब यहाँ पे निकलते हैं घर, और ये देखो बिना हेलमेट वाले, मतलब लोगों का चालान काट रहे हैं ये लोग, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था चालान कट रहे हैं, लेकिन खुद हेलमेट लगाना इनको मतलब दुश्मनी है। यहाँ भी पेंट्स के, ये देखो हार्डवेयर के बहुत सारे शॉप हैं, बट वहाँ पर संजीव का मतलब जान पहचान से वहाँ से इसने लिया पेंट। अभी हम लोग वाला थाना पहुँच गए हैं और यहाँ यहीं पे वो पंडाल जो बना था ना, उसमें लास्ट डे पर एक हेलीकॉप्टर बना हुआ था, क्योंकि नवमी को मैं आया था उस दिन कुछ नहीं था, बट लास्ट डे मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे इन लोगों ने बना दिया था, क्योंकि इसके जो विंग्स थे आई मीन हेलीकॉप्टर वाले वो चल रहे थे। तो अगर ये फर्स्ट सेल इन्होंने किया होता तो मे भी प्राइजेस मिलने के कुछ चांसेस ज़्यादा होते, पता नहीं इस बार हर बार क्या होता है, हर हमें कुछ लोग बैन ही हो जाते हैं, इस बार भी शायद दो पंडालों को बैन कर दिया गया 5 ईयर्स के लिए, और आपको तो मैंने बता ही दिया है कि कोई गोलीबारी हुई थी उसमें। खैर अभी हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, प्रकाश को घर छोड़ूंगा और फिर मैं सीधे घर निकल जाऊंगा, घर जाकर फिर मुझे दवा भी लेनी है। इसी पोर्शन पे यहीं पे मॉर्निंग ऑटो और पुलिस वाले के बीच में कुछ हुआ था, तो वो इंटरव्यू दे रहा था बेचारा, तो जाते थे मैंने देखा था, आते थे मैं देखा तो पूरा वो हो रखा था। ये देखो लग गई ट्रैफिक, यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए खासकर इस जगह पर। जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मानू बिना सर्विसिंग के ठीक ना हुई यार, बहुत दिन सर्विसिंग हो गई, सोचा 6,000 किलोमीटर चला देनी लेकिन सर्विसिंग नहीं थी भाई। जय हो माँ, लास्ट 18,000 किलोमीटर पर
18,000 प्लस महिल रहे। ऐसे तो बीच में लेकर हैंडल चेंज कराए खातिर, लेकिन सर्विसिंग महिल 18,000 पर। एगो छोटा बाल्टी खोजे पड़ी तोरा, ये पूरा पेंट एक बार में थोड़ा मिलाइबे। और कौन काम लिखे नू जो तो। अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए और फिर इस वीडियो को एंड करूँगा घर जाके। तो छोड़े नहीं खेन, ग्लव्स तो लाइल ना रही आज। हाँ वीडियो, हाँ देखो कल भोरे के भोरे बताएं, ठीक बा। हाँ हाँ भोरे के बताएं, भोरे क्या रात मैसेज कर दें। अच्छा ठीक बात, बता दें। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो घर निकलते हैं। लाइट कटी हुई है, मतलब हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं अलग थेटी चली जा रही है। ऑलरेडी मैंने आज मतलब हॉस्पिटल में, मैं क्या बताऊँ, हॉस्पिटल में जब गया तो डॉक्टर भी देख के बोल रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर मुझे स्किन एलर्जी हुई है। तो मैंने फिर उनको एक मोबाइल फोटो क्लिक करके रखा हुआ था रात से ही, तो वो मैंने उनको दिखाया, वो बोले कि हाँ हाँ मैं समझ गया। मैंने कहा कि देखिए सूजन कितना ज़्यादा आ चुका है और स्किन एलर्जी में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है खाने पीने पर, तो वो मैं कर लूँगा। अभी चलते हैं घर, बाइक वाइक लगाते हैं और फिर वीडियो को एंड करता हूँ मैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं जा रहा हूँ बाइक लगाने, तो मिलते हैं कल इस नई वीडियो के साथ। टिल थैंक यू, बाय बाय, रात रात है। बोलिए ना किसी को चाबी लाने के लिए।